एक तरफ कमल के फूलों से माला बनाती है दासियां हो, या फिर दूसरी तरफ खुशी में झूमते ये भक्तगण। ये नजारा है इस्कॉन खजान रसिया का और उत्सव है नित्यानंद त्रयोदशी। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे विदेश में ये लोग नित्यानंद त्रयोदशी मना रहे हैं, इसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और यहाँ इनके बीच में क्या क्या मान्यताएं हैं। तो चलो फिर प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। अभी त्रयोदशी का सेलिब्रेशन है, ठाकुर जी का सेलिब्रेशन, और तैयारियां गजब की चल रही हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब कल से लग रहे हैं जो भी यहाँ पे सजाने वाले हैं वो, और परिणाम तो देख। और ये यहाँ पे हैं जो ठाकुर जी को बिठाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे फ्रूट्स को काम में ले रहे हैं, फ्लावर्स को काम में ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं साथ। अरे वाह, ये यहाँ पे है ना जो पंचामृत तैयार कर रहे हैं, और पंचामृत से नित्यानंद प्रभु को स्नान धारण कराया जाएगा, जैसे हमारे शिव जी को कराया जाता है, वैसे नित्यानंद प्रभु को भी पंचामृत से स्नान धारण कराया जाएगा। Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Tá, 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 tá
हरे कृष्णा। और इस्कॉन को मानने वाले लोगों में नित्यानंद त्रयोदशी का एक विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे और उसके बाद में हरे कृष्णा मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, साथ ही ये यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ और पैंट के बजाय कुछ धोती या कुछ ऐसे बांध के आऊँगा, क्योंकि मैं ही यहाँ पैंट में और अजीब सा लग रहा है। Oh.
Aí, senhor, tivemos a missão do Pai, que ganha.